ओम शांति। कभी हम कोई ग्रुप में जाते हैं या संगठन में काम कर रहे हैं, कई सारे लोग कांटेक्ट में आते हैं, फ्रेंड सर्कल, हमारा स्टाफ, जो भी है, और अचानक हमें किसी की कोई गलती दिखाई देती है, कोई कमी दिखाई देती है। अच्छा, बार बार उनकी वो गलती रिपीट हो रही है और फिर हम उस गलती को देखते और वर्णन करना शुरू करते, देखा कितना गुस्सा करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं, रिएक्ट करते हैं, कोऑपरेटिव बिल्कुल नहीं है, वेरी सेल्फिश। अभी हम उनकी गलती को देखकर बार बार सोच रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। मालूम है हम क्या कर रहे हैं? हम उनका वर्णन कर सोच सोच कर उसी पर ध्यान देकर उनकी उस गलती को एम्पावर कर रहे, पक्का कर रहे, उसे परमानेंट बना रहे हैं। क्योंकि साइकोलॉजी का एक रूल है, अब जिस चीज पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हो वो चीज अपने आप बढ़ना शुरू हो जाती है, वो चीज शक्तिशाली बनती है। अभी उनकी वो गलती पक्की हो गई तो नुकसान किसका है? उनकी वो आदत पक्की हो गई तो नुकसान किसका है? मेरा, उनका नहीं है, क्योंकि उनको उस गलती का एहसास ही नहीं है। लेकिन तकलीफ तो मुझे होगी। अभी मुझे उनकी उस बुराई को अगर अच्छाई में बदलना है, सुधारना है, तो क्या करना चाहिए? अपनी इस आदत को मुझे बदलना होगा। सिंपल, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, एवरी इंडिविजुअल हैज टू साइड्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, अच्छाई और बुराई, गुण अवगुण। अभी मुझे उनके उस बुराई को देखते देखते उस गुण को देखना शुरू करना है। मुझे ही वो दिखाई दे रहा है, औरों को तो उनके अंदर गुण दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, औरों को भी अवगुण दिखाई दे रहे, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं तो उनके गुण देख सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे वो रिश्ता, मेरे और उस रिश्ते के बीच की एनर्जी को मुझे पॉजिटिव बनाना है, मुझे अच्छा करना है। देखो, हाथों की पांचों अंगुलियाँ सीधी सेम तो नहीं ना रहती हैं, हर एक अंगुली अलग अलग है, ऐसे हर व्यक्ति अलग है, गुण और अवगुण का कॉम्बिनेशन है। मेरे में भी अवगुण है, आप में भी है, गुण भी है, अवगुण भी है, तो करना क्या है? मुझे तो अपने वाइब्रेशन से, अपनी शुभ भावनाओं से उस व्यक्ति के अंदर की अच्छाई को जागृत करना है। तो क्या सोचें? हम उनके बारे में शुभ सोचना शुरू करें, उनके अंदर शुभ देखना शुरू करें, हम उनके लिए श्रेष्ठ संकल्प करें। ये आत्मा बहुत अच्छी है, इनके अंदर बहुत सारे गुण हैं, इनका और मेरा रिश्ता बहुत स्नेह वाला है। ये आत्मा अपने अंदर की आदत को बदल रही है, बहुत अच्छी तरह से ये सुधर गए हैं। इनकी ये आदत इतनी अच्छी तरह से बदल गई है जो सभी को इनसे बहुत खुशियां मिल रही है। यह आत्मा सबको अप्रिशिएट कर रही है, सबके साथ बहुत शांति से बात कर रही है। ये शुभ भावना, ये शुभ संकल्प हम इनके बारे में रखना शुरू करें। यह आत्मा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। परमात्मा के महावचन है, अच्छा अच्छा कहते कहते बुरा भी अच्छे में बदल जाएगा। इतनी ताकत अच्छा कहने की, एक मंत्र की तरह, एक जाप की तरह, वो अच्छे हैं, वो बदल गए हैं, वो अच्छे हैं, वो बदल गए, वो सुधर गए। ये जैसे मन के अंदर हम रिपीट करते जाए, रिपीट करते जाए, इसका ही परिणाम क्या होगा? इसका ही परिणाम वापस अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करोगे, अच्छाई बढ़ती जाएगी। और इसी के लिए मुझे अफर्मेशन लेने हैं, और वो अफर्मेशन कौन सा? मैं
पवित्र आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांति से बैठकर इस आत्मा के अंदर की विशेषता को देख रही हूँ। मैं इनकी विशेषता के बारे में सोच रही हूँ। इनकी विशेषताओं का वर्णन कर रही हूँ। जिससे इस आत्मा के उस गुणों के वाइब्रेशन, इससे ये आत्मा शक्तिशाली बन रही है। अपनी आदतों को ये आत्मा सुधार रही है। इनका और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। ये आत्मा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ॐ शान्तिः।